नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, संभावित बाढ़ के दौरान चलंत थाना लगाएगी गश्त। राजधानी पटना में टीकाकरण को लेकर ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता हुई खत्म। बंगाल के बाद यूपी चुनाव पर है अब राजद की नजर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, बिहार में मॉनसून की बारिश देखने को मिल रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है मॉनसून ने बिहार में दस्तक दे दिया है। पटना सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में आज शनिवार को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। कल दोपहर से आकाश में काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे। रात में बादलों का रंग गहराता गया। पटना में सुबह करीब 9 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक निकला। बिहार में 2 दिन पहले ही मॉनसून की झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस बार मॉनसून में काफी अच्छी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान विभाग के विज्ञानियों का कहना है कि यास तूफान के कारण इस बार अन्य प्रदेशों में भी मॉनसून का आगमन 1 या 2 दिन पहले हुआ है। बिहार में सैकड़ों दरोगा और जमादार का हुआ तबादला। डीआईजी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में सैकड़ों दरोगा और जमादार का तबादला कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सैकड़ों दरोगा और जमादार के तबादले का आदेश जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक चिकित्सीय अनुकंपा और अन्य प्रशासनिक सुगमता के आधार पर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इन पुलिसकर्मियों ने तबादले के लिए आवेदन दिए थे, जिस पर विचार कर पुलिस उप महानिरीक्षक ने उपलब्धता को देखते हुए अधिकारियों का तबादला कर दिया। संभावित बाढ़ के दौरान चलंत थाना लगाएगी गश्त। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए सरकार ने चलंत थाना लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत इस थाने की टीम नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त करेगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर काम करेगी। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन के प्रति भी जागरूक करेगी, ताकि लोग बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बच सके। इस संबंध में आपदा विभाग ने सभी डीएम को दिशा निर्देश भेजा है। आपको बता दें, इस टीम में 2 स्वास्थ्यकर्मी और 1 टीम महिलाओं की भी होगी, जिसमें महिला पुलिस और महिला स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे। सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए 42 बच्चों का हुआ रजिस्ट्रेशन। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन ट्रायल की प्रक्रिया जोर शोर से करवाई जा रही है। वहीं पटना एम्स की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए 42 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। बच्चों के अभिभावकों ने अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें पटना एम्स में 1 से 2 दिनों के अंदर बुलाया जाएगा और फिर बच्चों का आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, टीकाकरण ट्रायल का 3 फेज में बंटवारा हुआ है, जिसमें पहला 12 से 18 साल के बच्चे, दूसरा 6 से 12 साल के बच्चे और तीसरा 2 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। बिहार के शिवहर जिले में आज से पंचायतों की परामर्शी समिति ने शुरू किया काम। बिहार में कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं करवाया गया था। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के समाप्त होने की अवधि 15 जून पहले से ही निर्धारित की गई थी, जिसके बाद ही परामर्शी समिति बनाने का ऐलान किया गया था। इसी क्रम में आज से शिवहर में परामर्शी समिति ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद शिवहर बिहार का पहला जिला बन गया है जहां पर परामर्शी समितियों ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसके तहत आज जिले के मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष और उनके साथ निर्वाचित हुए सदस्य परामर्शी समिति के हेड और सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य, अधिकार और दायित्व का निर्वहन करते देखे गए। इसी क्रम में आने वाले दिनों में सभी जिलों में परामर्शी समितियां काम करने लगेंगी। राजधानी पटना में टीकाकरण को लेकर ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता हुई खत्म। राजधानी पटना में टीकाकरण को लेकर ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की व्यवस्था अब तक देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी उम्र के लोग सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकते हैं। यह सुविधा पहले और दूसरे डोज दोनों के लिए होगी। मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही थी। इतना ही नहीं, टीकाकरण केंद्र पर भी लोगों की भीड़ कम देखी जा रही थी। यही कारण है कि सरकार ने अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण का निर्णय लिया है, ताकि कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बीच टीकाकरण की संख्या को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए इस तारीख तक भेज सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत शिक्षकों द्वारा सेल्फ नॉमिनेशन के लिए 20 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने अभी से शुरू कर दी है। इसको लेकर डीईओ को पत्र भी भेज दिया गया है, जिसके तहत यह 15 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य चयन समिति को आवेदन की जांच और मूल्यांकन कर 3 शिक्षकों का चयन सूची भेजेगी। नैक में पिछड़ रहे हैं बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज। नैक की मान्यता पाने के लिए अभी विश्वविद्यालय और कॉलेज
को रिसर्च यानी कि अनुसंधान का शानदार रिकॉर्ड देना पड़ता है। वर्तमान में हालात ये है कि उच्च शिक्षा में अनुसंधान कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया है। यही कारण है कि बिहार के उच्च शिक्षा नैक की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। जानकारों की माने तो बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च पर पानी फेरने में यूजीसी की बड़ी भूमिका रही है। 2015 में यूजीसी ने रिसर्च के लिए मिलने वाली ग्रांट को बंद कर दिया था, जिसके बाद से ही बिहार के विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम सतह पर आ गया है। लेकिन बिहार का औद्योगिक विकास में पिछड़ना उच्च शिक्षा के विकास में भारी पड़ रहा है। इस तरह रिसर्च के लिए पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग के अभाव और रिसर्च की कमी की वजह से नैक की मान्यता सपना बन गई है। बिहार में नैक प्राप्त कॉलेज की संख्या 106 है, वहीं नैक पाए विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 3 है। राज्य के सभी जिलों को पछाड़कर नंबर 1 पर आया गया जिला। कोविड-19 के माहौल में मनरेगा योजना की काफी चर्चा हो रही है, वहीं मनरेगा योजना में ही रोजगार उपलब्ध करवाने में बिहार के गया जिले ने बाजी मार ली है। मिली जानकारी के अनुसार गया जिले के 332 में से 331 पंचायतों में जॉब कार्डधारी प्रतिदिन 88,320 श्रमिकों को कार्य मुहैया करवाए जा रहे हैं। यह पूरे राज्य में सर्वाधिक है। डीएम के मार्गदर्शन में हासिल की गई इस उपलब्धि को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के माहौल में जहां हर तरफ निराशा छाई थी, मनरेगा योजना के माध्यम से मजदूर अपने 2 जून की रोटी कमा पा रहे हैं। इसी क्रम में गया जिले ने सबको पीछे छोड़ दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गया जिले के यह 5 प्रखंड ने बाजी मारी है, जिसमें बाराचट्टी में 8,791, कोंच में 8,587, डुमरिया में 7,267, मोहनपुर में 6,669, खिजरसराय में 5,998 श्रमिकों को कार्य मुहैया करवाए गए हैं। बिहार में बाल श्रम से बच्चों को बचाएगा चाइल्ड फ्रेंड कार्ड। बाल श्रम अभी भी बिहार समेत कई राज्यों में एक बड़ी समस्या है। हालांकि बिहार में अब बच्चों को इससे बचाने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है, जिसमें श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल सरकार की योजना है कि बाल श्रम से बच्चों को बचाने के लिए चाइल्ड फ्रेंड कार्ड बनाया जाए, जिसके माध्यम से बच्चों की ट्रैफिकिंग पर इसकी नजर रखी जाए। फिलहाल इसको लेकर बातचीत जारी है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में कुल मिलाकर 4.5 लाख बाल श्रमिक मौजूद है। हालांकि इससे पहले भी बचपन बचाओ आंदोलन ने बाल श्रम उन्मूलन और पुनर्वास योजना को सशक्त तथा सरल बनाने हेतु कार्ड उपलब्ध कराने का सुझाव सरकार को दिया था, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ था। मुजफ्फरपुर जंक्शन से लीची ढुलाई से अब तक रेलवे को हुआ लाखों का मुनाफा। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक चंद्रशेखर प्रसाद ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए बताया कि सोनपुर मंडल लीची ढुलाई कराकर किसानों को उचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सोनपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर जंक्शन की लीची ढुलाई से अब तक कुल मिलाकर 30 लाख से अधिक की आमदनी हुई है, जिसको देखकर रेल अधिकारी भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सोनपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर जंक्शन से देश के विभिन्न राज्यों में लीची भेजी जा रही है। जंक्शन से 3 साल में पहली बार रिकॉर्ड लीची की लोडिंग इस बार की गई है। 9 मई से अब तक पार्सल वहन द्वारा कुल मिलाकर के 39,910 पैकेट यानी कि लगभग 1297 क्विंटल लीची लोकमान्य तिलक, वडोदरा, अमृतसर, दिल्ली, हावड़ा और कोलकाता समेत कई स्टेशन को पहुंचाई गई है, जिसमें रेलवे को 6,25,928 का राजस्व प्राप्त हुआ है। बंगाल के बाद यूपी चुनाव पर है अब राजद की नजर। लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आते ही राजद और ज्यादा मजबूती से नजर आ रही है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति के अलावा अब राजद की नजर बंगाल और यूपी चुनाव पर भी टिकी हुई है। इस बाबत राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने हाल ही में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 4.25 साल बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति उनके ही आसपास परिक्रमा करती रही है। अब तो वो बाहर आ गए हैं तो सियासत नए सिरे से गरमाएगी ही। लालू प्रसाद यादव ने यादव और मुसलमानों को जोड़कर जो सोशल इंजीनियरिंग बनाई है, उसको नजरअंदाज कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि कई दलों ने कोशिश की, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए है। वहीं दूसरी तरफ साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर राजद की नजर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। हार्दिक पांड्या ने अपने फैंस को दी खुशखबरी। इंडियन क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज खेलने वाली है। शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका दौरे पर सिलेक्ट होने के बाद अपनी गेंदबाजी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। हार्दिक पांड्या ने इस बाबत कहा कि वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। पिछले 2 साल से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी को लेकर फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब पांड्या ने दोबारा से गेंदबाजी करने का पूरा मन बना लिया है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि वो इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए हर हाल में गेंदबाजी करना चाहते हैं। एलपीजी सिलेंडर लेने वाले अब अपनी मर्जी से चुन सकेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही नई सर्विस शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटी है। इसकी मदद से अब गैस कनेक्शन बदलवाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। गैस कनेक्शन बदलवाने के लिए अपनी मर्जी से डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर को ग्राहक चुन सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंपनी से गैस ले सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह सेवा चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में शुरू होगी। धीरे धीरे इन्हें दूसरे राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटी के तहत कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल के जरिए
लॉग इन करके अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव कर सकेंगे। देश में कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। कोरोना महामारी का ग्राफ अब लगातार गिर रहा है। देश में आज 70 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 84,332 नए कोरोना केस आए हैं और 4,002 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 121,311 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 40,981 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,466 केस दर्ज किए गए थे। आज देश में लगातार 30वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। 11 जून तक देश भर में 24,96,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,33,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37,62,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।